वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ अब हम आज 54 डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 वाली जो सीरीज़ होती है उसमें हम कुछ डिडक्शन देखने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे सेक्शन 54 को ही, सेक्शन 54 से ही शुरू कर लेते हैं। ओके, एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकल चीज़ तो है नहीं, स्टिल आई प्रेफर टू राइट इट ओवर रीडिंग इट थ्रू द टेक्स्ट। मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा समझ में आता है लोगों को और मुझे समझाने में भी आसानी होती है। अदरवाइज़ मैं प्लेन टेक्स्ट खोल के आपको पढ़ के बता सकती हूँ कि ये रेजिडेंशियल हाउस पे मिलता है एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग। एनी वे, लेट स्टार्ट। सेक्शन 54 जो है ये बात करता है डिडक्शन की। अब ये डिडक्शन के लिए जो है जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये हमें बोलता है कि अगर आपने ध्यान रखना, आपके लिए एक रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र करना इसमें ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपने अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र किया है और रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र किया है और ये जो ट्रांसफ़र होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। पहली बात रेजिडेंशियल हाउस, दूसरी बात लॉन्ग टर्म। और बोलता है कि अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र करके, एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र करके अगर कोई नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो आपको सेक्शन 54 का जो है डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्ट, अब आपको एक चीज़, एक सिंपल सा बेसिक चीज़ समझ में आ गया कि आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस था, आपने उसको ट्रांसफ़र कर लिया, वो ट्रांसफ़र जो था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और इस ट्रांसफ़र के बाद से आपने एक नया हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया तो आपको सेक्शन 54 में डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट पे आते हैं। सेक्शन 54 में मान लो कि आपने, चलो वैसे लिख लेती हूँ, आपका जो FVC था वो 200 लाख था और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो 100 लाख था। आपको 100 लाख का कैपिटल गेन हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोविज़न है सेक्शन 54 का वो बोलता है, मैंने आपको बोला कि डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54 अगर आपने एक रेजिडेंशियल हाउस बेच करके एक नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया है। अब डिडक्शन कैपिटल गेन का भी मिल सकता है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का भी मिल सकता है। तो सेक्शन 54 बोलता है कि हम आपको डिडक्शन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का देंगे। सपोज़ करो ये जो नया आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, ये इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या अगर 150 लाख है तो हम आपको 100 लाख का इसमें डिडक्शन दे देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलता है, इसके अलावा और किसी भी SSC को नहीं मिल सकता, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। एक नया पॉइंट जो इसमें ऐड हुआ वो ये था कि फाइनेंस एक्ट 2019 में ऐड हुआ था ये पॉइंट कि मान लो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग जो है दो घर खरीद लेते हैं जिसमें एक घर में वो रहते हैं और दूसरा घर वो जो है वो रेंट पे दे देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एक और बेनिफिट दिया कि वंस इन अ लाइफ टाइम, आपको सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार ये ऑप्शन मिलने वाला है और वो भी तब मिलेगा, कुछ कंडीशन है, जब आपका कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड ना कर रहा हो। इस बात का ध्यान देना कि 2 करोड़ से, अगर ये लेस देन 2 करोड़ है, आपका कैपिटल गेन लेस देन 2 करोड़ है एंड अगर आपने 2 रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया है तो दोनों पे ही हम कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन दे देंगे। वैसे तो आप एक बेचते हो और एक खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है, बट अगर आपने 2 खरीद लिया है तो भी आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बट दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल वंस इन ए लाइफ टाइम। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है, जैसे मान लो 200 लाख का, अब हम अपने बेसिक एग्जांपल पे आते हैं, हमारा कंसिडरेशन था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा 100 लाख का था और कैपिटल गेन हमारा 100 लाख का था। अब मैंने कहा आपको नया एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ करना है। इस नए हाउस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए एक टाइम लिमिट दी गई है। ये टाइम लिमिट क्या बोलती है कि या तो आप, 3 कंडीशन है, या तो आप विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र से 1 साल पहले, जैसे मान लो कि अगर ये 30 जून 2023 को हुआ है तो 1 साल पहले 30 जून 2022 इस टाइम पीरियड के बीच अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ कर लिया हो, या फिर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो बोलता है विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मान लो 30 जून 2023 है, इसके 2 साल के बाद मतलब कि 29 जून 2025 तक अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसमें भी आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या फिर हमारा तीसरा कंडीशन बोलता है कि जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया आपने इस ट्रांसफ़र के
तीन साल के बाद, तीन साल के विद इन थ्री ईयर जो है, अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है कोई हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि 29 जून 2026 तक अगर आपने कोई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात आती है, यहाँ पे परचेज़ की बात आती है और यहाँ पे भी परचेज़ की बात आती है, या तो आप एक साल पहले खरीद चुके हैं या फिर एक साल बाद खरीद रहे हैं, या फिर विद इन थ्री ईयर अगर आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कोई और हाउस प्रॉपर्टी, तो फिर आपका जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको सेक्शन, सॉरी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 54 की। आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम अब आगे। आगे जो है हमारा पॉइंट है, जो हमारा ये बोलता है, मान लो कि आते हैं अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में आ जाते हैं, हमारा करंट मान लो, अच्छा 22-23 को ही लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, छोड़ो 22-23 में एक ऐसा हुआ, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी जो है, आपने हाउस प्रॉपर्टी क्या किया, एक बेच दिया, आपको इस हाउस प्रॉपर्टी से सपोज़ करो 100 लाख का कैपिटल गेन आ गया। अब 100 लाख का कैपिटल गेन आ गया, आपने सोचा यार कि घर तो मुझे लेना ही है और मैं घर लेने में जल्दी नहीं करना चाहता, तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि आपको 31 जुलाई 23 तक आपको अपना रिटर्न भी फाइल कर देना है। तो आप सोच रहे हो कि यार रिटर्न तो मुझे 31 जुलाई 2023 तक फाइल कर देना है और मैं 22-23 में जो है एग्जेम्पशन भी 54 का लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, जल्दी में आता हूँ तो मैं हो सकता है कि गलत डिसीजन लेके कुछ गलत जगह पे घर खरीद लूँ, और मैं एग्जेम्पशन भी इसी साल में लेना चाहता हूँ, तो मैं करूँ क्या। गवर्नमेंट इसके लिए जो है एक आपको बेनिफिट देती है कि अगर किसी वजह से आप रिटर्न फाइल करने तक आप अपने इस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप इस पैसे को क्या करिए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये एक स्कीम होती है, आप इसमें डिपॉजिट करा दीजिए और फिर आपके पास जो है टाइम पीरियड होता है 3 साल तक, आपको 3 साल तक जो है इस पैसे को यूटिलाइज़ कर देना है कंस्ट्रक्शन करने में, अपने बिल्डिंग को बनवाने में। अगर आप 3 साल तक इसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर जब जब ये 3 साल का टाइम पीरियड हमारा ख़त्म होता है, उसके बाद जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर आता है, मान लो 29 जून 2026 तक, आप जो है अगर नहीं, आपने, हम मानते हैं कि 30 जून 2023 को जो है आपने ट्रांसफ़र किया, तो उसके 3 ईयर तक आपको ले लेना है। तो आपने 29 जून 2026 तक आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, तो अब क्या हो जाएगा, 30 जून जैसे ही आएगा, 30 जून 2026, अब आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आपका कैपिटल गेन जो है, जो भी आपका 100 लाख का कैपिटल गेन था, ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये एक छोटा सा पॉइंट था। वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ होगा आईपीसी में भी, स्टिल इसमें है तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा बता दूँ। अब सेक्शन 54 हमारा ख़त्म हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाने वाली हूँ। सेक्शन 54B पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी, जैसे जो भी आपने लैंड हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ किया सेक्शन 54 में, आप उस हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, सपोज़ करो कि 100 लाख का कैपिटल गेन था, जो कि आपको उस समय डिडक्शन मिल गया, लेटर ऑन आपने विद इन 3 ईयर के अंदर जो है आपने इस एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जब आप इसे ट्रांसफ़र करोगे, सपोज़ करो 500 लाख में ट्रांसफ़र किया है, तो ये आपका FVC हो गया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बोला था कि 100 लाख का परचेज़ किया था, या फिर मान लो कि 200 लाख का अगर इसे परचेज़ किया था, तो 100 लाख का कैपिटल गेन जो है वो हमारा डिडक्शन मिला था हमें, तो ये 100 लाख हम माइनस कर देंगे और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 100 लाख बन के आ जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो ये हो जाएगा कि जो कैपिटल गेन हमने पहले डिडक्शन दिया था आपको, वो कैपिटल गेन जो है अब हम आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतना लेस कर देंगे, और तब आपका न्यू कैपिटल गेन निकल के आएगा। ये आपका रिजल्ट होगा इन केस यू ट्रांसफर द एसेट विद इन 3 ईयर। अब आते हैं सीधे अपने सेक्शन 54B वाले सेक्शन पे। सेक्शन 54B जो है ये बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड की। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं बात करती हूँ पहले मैं लिख देती हूँ सेक्शन 54B। जब मैं बात करती हूँ एग्रीकल्चरल लैंड की, तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अगर रूरल एरिया में है, तो ये तो एग्जेम्प्ट है ना, ये तो हमारे एग्जेम्प्ट नहीं है, ये तो हमारे कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से ही बाहर है, ये हमारा कैपिटल एसेट ही नहीं कंसिडर किया जाता। तो जो हम एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे इस सेक्शन में डील कर रहे हैं, दिस लैंड इज बेस्ड इन वेयर अर्बन एरिया, ये अर्बन एरिया वाले एग्रीकल्चरल लैंड है।
अब देखो कंडीशन क्या बोलती है इसमें, कंडीशन हमारा ये होता है कि आप अगर एक इंडिविजुअल हैं या फिर अगर आप एक HUF हैं और आपके पास अगर एक एग्रीकल्चर लैंड है जिसको आपने होल्ड किया है, कहाँ तक, अप टू 2 ईयर तक जिसको आपने यूज़ किया है, होल्ड नहीं, अप टू 2 ईयर तक आपने जिसको एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, और 2 साल के बाद अगर आप उसे बेचते हो और बेचने के बाद से जो है आप एक नया एग्रीकल्चरल लैंड ले लेते हो विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, अगर आप फिर से बताती हूँ मैं आपको, अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF हो और अगर आपके पास एक लैंड है, कौन सी लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, जिसको आपने फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़ कितने साल के लिए यूज़ किया है, 2 ईयर के लिए यूज़ किया है, और 2 ईयर के बाद से आप इसे बेच देते हैं, बेचने के बाद से आप इस सेल प्रोसीड से जो है आप क्या करते हैं, मतलब सेल प्रोसीड नहीं, आप इसको बेचने के बाद से आपने एक न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज़ कर लिया, कब परचेज़ किया है, विद इन 2 ईयर फ्रॉम ट्रांसफ़र, 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफ़र अगर आपने परचेज़ कर लिया है, तो फिर आपका जो भी कैपिटल गेन अराइज़ हो रहा होगा वो कैपिटल गेन यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल जाएगा उस कैपिटल गेन का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कुछ और रहने वाली बात तो नहीं है, रहने वाली बात यहाँ पे ये रह गई है कि अगर आप 2 साल तक, आपको मान लो आप टाइम लेना चाहते हो रिटर्न फाइल करने तक, आपने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड परचेज़ करूँ, तो आप पैसे को जो है डिपॉज़िट करा सकते हो अपनी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, और अगर 2 साल तक ये यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है तो सेम वही प्रोविज़न लग जाएगा जो सेक्शन 54 में था कि 2 साल के बाद से जो है ये कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंसिक्वेंसेज की बात करते हैं हम। कंसिक्वेंसेज यही बोलता है कि आपने जो एग्रीकल्चरल लैंड लिया है, ये परचेज़ किया है, ये एग्रीकल्चरल लैंड जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, कब तक, 3 साल तक। अगर आपने 3 साल से पहले इस एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया है तो सेम प्रोविज़न लग जाएगा जो हमारा सेक्शन 54 में लगा था, आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो डिडक्ट हो जाएगा, जब आप नए वाले लैंड को बेचोगे ना तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो भी कैपिटल गेन पहले आपको डिडक्शन मिली थी, वो डिडक्ट हो जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। ये था आपका सेक्शन 54 भी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि बात करता है हमारा, मतलब डील करता है हमारा सेक्शन 54D, जो कि कंपल्सरी एक्विजिशन के बारे में डील करता है। मैंने आपको पहले, आई रिमेम्बर कि मैंने आपको बताया हुआ है कि समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट को अगर कोई रोड डेवलप करना हो या फिर कुछ भी, रेलवे की लाइन लगती है, तो इन सब में क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ कंपलसरी एक्वायर कर लेती है लैंड को, और इसका जो बेनिफिट है सेक्शन 54 और 54B जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल या HUF को मिल सकता था, बट 54D जो है वो किसी भी SSC को मिलता है, कंपनी हो या फर्म हो या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, क्योंकि क्या हो सकता है गवर्नमेंट किसी के भी लैंड को एक्वायर कर सकती है ना, जो भी उसके रास्ते में आ रही होंगी, चाहे वो कंपनी की ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए ये बोला गया कि कोई भी SSC हो, ये वो 54D का बेनिफिट जो है वो ले सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 54F के बारे में। सेक्शन 54F जो है, सेक्शन 54 और 54F दोनों का सेम ही कंडीशन है, बस एक चीज़ ध्यान रखना 54 और 54F में डिफरेंस क्या है। जब 54 की बात होती है, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगी, मैं सिर्फ जो आपको डिफरेंस है वो मैं बता रही हूँ। जब 54 की बात होती है तो हमने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी आपने बेचा और फिर हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया। जब 54F पे हम आते हैं तो हम बोलते हैं कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, आपने कोई ऐसा एसेट बेचा है, कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचा है जो कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी हो, और फिर आपने खरीदा क्या, आपने खरीद लिया हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको एग्जम्पशन मिलती है। अब डिडक्शन मिलती है। अब जो डिडक्शन मिलता है ना, उसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि मान लो जो भी कैपिटल गेन हुआ हो, जैसे 54 में जो भी आपका कैपिटल गेन है वो आपको उसका आपको डिडक्शन मिलता है, लेकिन 54F में जो भी आपका सेल प्रोसीड है उसका आपको डिडक्शन मिलता है। तो मान लो कि सेल प्रोसीड अगर 200 लाख था और आपने जो नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदा वो सिर्फ 100 लाख का खरीदा, ठीक, तो आपको कैपिटल गेन की आपको जो है डिडक्शन कैसे मिलेगी। तो डिडक्शन मिलने के लिए मान लो 50 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन आ रहा था, ऑन व्हाट, ऑन 200 लाख रुपीज़। आपको यूनिटरी मेथड अगर आता है तो आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा था, समझ में आ गया होगा। 50 लाख रुपीज़ आपको कैपिटल गेन था 200 लाख पे, तो आपको 100 लाख पे कितना कैपिटल गेन होना चाहिए, 25 लाख रुपीज़। तो ये 25 लाख रुपीज़ जो है यह आपका कैपिटल गेन का जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो हम बेचते हैं वो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, और ख़रीदते हैं वो हम हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और कैपिटल गेन का जो डिडक्शन मिलता है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है,
कि डिडक्शन मिलता कैसे है। बाकी टाइम लिमिट वगैरह सब कुछ सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। टाइम लिमिट आपको वही है कि आपको विद इन वन ईयर और विद इन थ्री विद आई मीन बिफोर ट्रांसफ़र अगर वन ईयर से पहले अगर आपने परचेज़ कर लिया है, या फिर आफ्टर ट्रांसफ़र अगर वन ईयर के बाद आप परचेज़ कर रहे हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं विद इन थ्री ईयर, तो फिर टाइम लिमिट वही है। और इसके बाद से मैं देख लेती हूँ और कुछ नया तो नहीं है। यस, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि आपने जो आप ये परचेज़ कर रहे हो ना न्यू हाउस प्रॉपर्टी, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी और आपको, जैसे मान लो अगर आपके पास दो घर है और आपने कुछ यहाँ पे शेयर्स बेच दिए और आप ये तीसरा घर खरीद रहे हो, तो आपको 54F की डिडक्शन नहीं मिलेगी। 54F बोलता है कि न्यू हाउस के अलावा आपके पास सिर्फ एक घर होना चाहिए। आपको सिर्फ अगर आपके पास नाम पर एक घर है तो फिर आपको जो है एक नई हाउस प्रॉपर्टी जो आप परचेज़ कर रहे हैं वो आपको उसका डिडक्शन जो है 54F में अलाउड है। ये तीन चीज़ें जो थी जो कि डिफर कर रही थी 54 से, तो मैंने वो आपको समझा दिया। आपका 54B, D एंड F ये तीनों ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं 54G पे। देखो नेक्स्ट है हमारा 54G। 54G जो है ये जो सेक्शन है ये आपको कुछ ऐसे बात करता है। 54G जो है ये सेक्शन हमारा बोलता है कि आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था जो कि अर्बन एरिया में था, आपको अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था, आपने इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आप शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? रूरल एरिया में। तो आप जब इसे बेचोगे तभी तो शिफ्ट करोगे, जब आप इसे बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन अराइज हो रहा होगा। इस कैपिटल गेन को बोलते हैं कि हम डिडक्शन दे देंगे अगर आप अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? रूरल एरिया में। और कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आप नहीं, मतलब आप जब रूरल में जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीदोगे, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, हो सकता है वहाँ पे कार खरीदो, हो सकता है आप वहाँ पे फर्नीचर खरीदो। तो जो डिडक्शन मिलेगा ना वो सिर्फ आपको इन पे मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड लैंड, इन पे ही सिर्फ आपको डिडक्शन मिलने वाला है। इन पे आपने जितने पैसे लगाए हैं उतने अमाउंट तक का डिडक्शन जो है आपको मिल जाएगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि जैसे मैं आपको अभी तक जितना भी बताती हूँ उसमें मैंने कहा था आपको कि इंडिविजुअल एचयूएफ, बट सेक्शन 54D एंड 54G ये दोनों ही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से डील करता है, और दोनों में ही लिखा हुआ है कि कोई भी SSC को ये आपको डिडक्शन जो है अलाउ हो सकता है। कोई भी SSC हो, चाहे कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर फॉर्म हो। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों ही डिडक्शन अलाउ होते हैं। और हाँ, दूसरी बात इसमें ये है कि आप इसमें भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला प्रोविज़न है कि अगर आप नहीं यूटिलाइज़ कर पाते टाइम पे तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर देना पैसे। और जैसे कि अगर आपने 3 साल से पहले ट्रांसफ़र कर दिया एसेट को, आपने अर्बन एरिया रूरल में ख़रीद तो लिया बट आपने 3 साल से पहले ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस केस में आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो भी आपको कैपिटल गेन पहले डिडक्शन मिला था, वो कैपिटल गेन आपको आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्ट कर दिया जाएगा जब आपका कैपिटल गेन निकाला जाएगा ऑन दैट सेल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन रूरल एरिया। तो 54, सेक्शन 54, 54B, D, F एंड G ये चार सेक्शन जो हैं, नहीं पांच सेक्शन जो हैं आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद से हम देखते हैं अब 54 में अभी थोड़ी सी डिडक्शन में थोड़ा सा और सीरीज़ है, उसको कवर करेंगे। एंड यस, मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।